नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम सम हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। यही समय है, सही समय, जब इंडिया प्रूव कर सकती है कि वी कैन अगेन राइज इन इंडियन फुटबॉल एब्सोल्युटली डिस्पाइट। हां भाई, हम इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल, कम ही कर रहे, लेकिन ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज टू बैक टू बैक गेम्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो बाय द वे रैंक्ड 158 है, वर्सेस रैंक्ड इंडिया 117, आई नो रुकेगा जरा, लेकिन बैक टू बैक गेम्स में अगर हम जीतते हैं, वी बी सेकेंड इन द ग्रुप ए ऑफ AFC FIFA World Cup qualifiers. Kuwait ke against that goal of Manvir put us in good stead. Haan, I know recent AFC Asian Cup memories अच्छे नहीं है, लेकिन याद रखिए, if we go to the third round, जो होगा by the way, if we finish the first two places in the group A, तब हो सकता है नहीं, होगा ही that we will also get qualification to the AFC Asian Cup of 2027 directly. तो भाई बहुत सारा चीज है at stake, and of course we should beat Afghanistan, right? Hasta la vista, baby. लेकिन भाई इतनी इजी नहीं होती फुटबॉल, यू ऑल नो दैट। अगर हम स्क्वाड के बारे में बात करें तो फॉर श्योर ऑफ कोर्स द बिग पॉइंट इज जीक्सन इज बैक एंड विक्रम प्रताप इज यू नो केप्ट हिज प्लेस, और जो रीसेंट इंटरव्यूज में सुनने को मिला, यस एएफसी एशियन कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन दैट मिडफील्ड डुओ ऑफ अपुया एंड सुरेश इज बैक अगेन। Yes, I know there are players जो form में नहीं है ISL में, like especially in Anirudh Thapa of the likes, maybe in Brandon to some extent, लेकिन सहल है in the squad, अब वो fit है कि नहीं tonight's match में देखा जाएगा। By the way, सब लोग like button थोप दीजिए और hit that bell icon so that we are getting a motivation to come live for each and every Indian football content. तो भाई come on, let's do that. Of course, there's a watch along possibility, so do not miss that as well. लेकिन हाँ, कमिंग टू द डिफेंस पार्ट ऑफ द स्क्वाड, यहां पर प्रॉब्लम है संदेश जिंगन नहीं है, मतलब द वॉल, ही इज नॉट देयर। तो भाई हु वुड यू प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो याद रखिए दे देमसेल्व्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट। जब इंडिया हार रही थी अगेंस्ट कतार एट होम आफ्टर बीटिंग कुवैत आई नो इन द यू नो क्वालिफायर, लेकिन उसी दिन आई बिलीव अफगानिस्तान बुरी तरह हार रही थी, एंड दैट वॉज भाई कुवैत ने उन्हें पेल दिया था 4-0। तो भाई दे आर नॉट इन ग्रेट फॉर्म, बट रिमेंबर उनके भी काफी प्लेयर्स है जो बाहर खेलते हैं, ऑल्दो एट लोअर डिविजन। हैविंग सेड दैट, लेट्स बी रियल, उनका जो पॉलिटिकल टेंशन चलता है दैट इज सेकंड टू नन, एज मच एज हमारे फाइनेंशियल इश्यूज है, अलग ही पॉलिटिक्स चलता है हमारा तो बोर्ड में, लेकिन उनके तो भाई नेक्स्ट लेवल। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आई नो दो अलग चीजें, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम ओवर द रिसेंट ईयर्स दिखाई है कि डिस्पाइट दैट दे हैव बीन देयर डन दैट, तो हो सकता है दैट इज व्हाट यू गेट इन अफगानिस्तान ब्लड एंड यू विल सी सम फाइट। ऑफ कोर्स रमजान का महीना भी है, उससे याद आया यू नो व्हाट, अफगानिस्तान अपने घर पे नहीं खेल रही, उसके बावजूद कि पहला मैच आज यू नो अफगानिस्तान के घर पे होना चाहिए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, एंड दे हैव सेलेक्टेड अ स्टेडियम इन सऊदी विच इज अ वेरी गुड स्टेडियम माइंड यू। हैविंग सेड दैट, भाई उनका भी घर नहीं है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड उन्होंने सेलेक्ट किया है, मे बी उनके प्लेयर्स को आदत होगी, मे बी बैकफायर होगा, आई डोंट नो, आप लोग बोलिए, लेकिन उससे ही मे बी वी माइट बी यू नो पिकिंग द 11 जस्ट अबाउट। मेरे ख्याल से थोड़ी फिजिकलिटी की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि एक बंदा जो है अमीरी, अब पता नहीं कितना अमीर है बंदा, लेकिन भाई प्रिटी श्योर उनका जो डिफेंडर है लेजेंड है अफगानिस्तान के लिए, सॉरी अफगानिस्तान फैंस आई नो दैट, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सम अफगानिस्तान मीडिया हाउसेस सेइंग दैट अमीरी इज ऑलवेज हैड छेत्री सर इन हिज पॉकेट एटसेट्रा, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, ऑनेस्टली वो नहीं है नहीं हुआ है। हैविंग सेड दैट, या छेत्री सर खुद भी फॉर्म में नहीं इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, ऑल्दो इज अ गोट, वी ऑल नो दैट, वी ऑल लव हिम, Will he play? We'll come to that. रुकेगा जरा, लेकिन इन गोल गुरप्रीत पाजी, यार आई नो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, यू नो वी विल प्रॉब्ली हैव टू यू नो चेंज समथिंग टू गेट समथिंग गोइंग, और रिस्क लेना बनता है अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है, कंसिडरिंग रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, मुझे नहीं लगता टीम मैच इतने चेंज करेंगे द 11, दैट्स व्हाट आई सी, और अगेन गुरप्रीत पाजी इज अ लॉट एक्सपीरियंस देयर, I don't think Vishal Etcetera will come in. Left back par, maybe I would see Akash Mishra. Rukega. You know why? Because center back mein, yes, you can say we can play a Mehtab, we can play a Rahul Bekke, but nahi yaar. I believe we need height factor. Aur wo hai Subhashish Bose along with his experience. Of course, next to Anwar Ali, who's back. आप बॉल प्लेइंग सेंटर हाफ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन सच अ मैच, जहां पर वो यू नो डिस्ट्रीब्यूट करे और फिजिकलिटी के अगेंस्ट भाई क्वालिटी दिखाए। राइट बैक निखिल पुजारी काफी बॉमन करते, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इन दैट फॉर श्योर, कंसीडरिंग दे आर टेक्निकली एट होम अफगानिस्तान, लेकिन मिडफील्ड में हमने बोल दिया दो
डुओ तो वही फिक्स है, नो वन इज चेंजिंग दैट बिकॉज रिसेंटली दे हैव बीन वेरी गुड वर्क हॉर्सेस प्रॉपर. और हाँ, शायद सुनने वाला सहल इज नॉट फिट इनफ तो एंड ब्रैंडन इज इट इन फॉर्म. अनिरुद्ध थापा सेम, आई डोंट थिंक अनिरुद्ध थापा खेल सकते वो कॉनर गैलेगर वाला रोल, इफ यू नो व्हाट आई मीन. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट फॉर्म एक्सेट्रा यू माइट गेट समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, हो सकता है ऑन द काउंटर और कंसिडरिंग वी आर टेक्निकली प्लेइंग अवे वी माइट प्ले विद टू सेंटर फॉरवर्ड जस्ट टू काइंड ऑफ विन द सेकंड बॉल, हु नोस. और इट माइट बी नॉट अ सेंटर फॉरवर्ड पर से 4-2-3-1 ही खेलेंगे, लेकिन वो कैम वुड बी, आई डोंट नो, सुनील सर छेत्री सर माइट एक्चुअली बी इन दैट कैम पोजिशन, जस्ट सेइंग. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दैट इट कुड बी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर गेम, नॉट द सेकंड लेग जो होने वाला एट होम. लेफ्ट विंग ऑब्वियसली महेश, राइट विंग चांगटे और अप फ्रंट विक्रम प्रताप, एंड दैट इज द रीजन. फॉर्म के बारे में बात करें तो भाई आई थिंक वी हैव टू मेंशन दैट. लेकिन हाँ, हेड टू हेड देखा जाए तो अफगानिस्तान ऑलवेज स्कोर्स अगेंस्ट इंडिया, ऑल्दो इंडिया का परफॉर्मेंस ऑलवेज हैज बीन बेटर देन अफगानिस्तान. वी ईदर ड्रॉ और विन लास्ट 5 मैचेस में, तो आई बिलीव वी शुड गेट अ डिसेंट रिजल्ट. ऑफकोर्स हमें चाहिए, लाइक आई सेड, अ विन आइडियली. 2 विन्स विल ऑलमोस्ट, एक फुट रहेगा इन दैट पर्टिकुलर यू नो स्पेस जहां पर हमें क्वालिफाई करना है फॉर द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि कुवैत खेल रही कतार के अगेंस्ट 2 बैक टू बैक मैचेस. सो यू नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो. अगेन पॉजिटिव साइंस ऑफ इंडिया कमिंग इन, maybe yes maybe not. again aap log bolye what do you think is the scoreline going to be. I believe goals karne mein dikkat to ho rahi hai, but I think time has moved on that humne khali sunil sir par depend karna hai, and I think this is probably the right game where you should start. and I believe mahesh with chante with vikram, of course with a little bit of midfield help would definitely help. of course sunil sir bhi rahenge if need be, like you know, along with the others. तो मैं बोलता हूँ वी शुड बी स्कोरिंग एटलीस्ट 2 गोल्स अफगानिस्तान डिस्पाइट बीइंग अवे, लेकिन हम खाते उनके साथ गोल्स और डिफेंस में भी चेंजेस है. सो आई बिलीव एक तो खाएंगे अनफॉर्चुनेटली, मे बी मुझे लग रहा निखिल पुजारी के साइड में, एज मच एज आई लाइक हिम बॉबिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर फिर भी डबल प्रोटेक्शन है विद सुभाषिश बोस बीइंग देयर लेफ्ट फुटेड. तो आई थिंक हाँ, उस साइड से मुझे लग रहा है, ऑल्दो अनवर अली ऑल्सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट वही है बॉल प्लेइंग सेंटर हाफ कमिंग बैक इन टीम. आई डोंट नो, मतलब आई स्टिल बिलीव यू माइट कंसीड, आप लोग बोलेगा फॉर श्योर. और तो भाई अमीरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल टूर्नामेंट इन योर करियर यार, ऑल द बेस्ट उतना ही बोलूंगा, लेकिन पॉकेट में तो नहीं रखेंगे अपने को. अब देखते क्या होता है इन द मैच, लेट्स लुक एट इट. अभी के लिए इतना ही, यू नो ड्रिल, क्या है ड्रिल, हिट दैट लाइक बटन, ऑफ कोर्स हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट हम आएंगे और वो लाइक बटन ज्यादा दबाएंगे ना आप लोग, उससे ही हमें यू नो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा भाई कि हम इंडियन फुटबॉल के एटलीस्ट चाहने वाले नहीं होंगे इतने, लेकिन वी आर वेल विशर्स, यू नो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस एंड आई थिंक वी आर दैट, लेट्स बी रियल अबाउट दैट. सो आज के लिए भाई हिट दैट लाइक बटन, जितने ज्यादा लाइक्स हो उतना ही बेटर है, क्योंकि आई विल गेट द सिग्नल कि भाई साहब बेटर वॉच अलॉन्ग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तो देखेंगे, आपके साथ देखें तो और भी मजा आता है, क्यों नहीं, एब्सोल्युटली. No matter what, a fan channel for all to see, and we'll be back with more content on both the channels. Yes, yes, cricket season is mad on Almighty Sports. Links below. Come on, India! Come on, India! 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 Come on, chak de India!